अल्लाह इसको इतना ताकतवर बना दे कि ए अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। आसमान में राज करने वाला और दुश्मनों को पलंग झपते ही तबाह करने वाला बाहुबली फाइटर जेट राफेल आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। राफेल विमान के बेड़े को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सुबह 10 बजे राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 धर्मों के धर्मगुरुओं ने राफेल को वायुसेना में पूजा पाठ करने के साथ शामिल कराया। ओम सुशांत्रि 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 भवतु। अल्लाह इसको इतना ताकतवर बना दे कि ए अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हमारे जवानों के अंदर शक्ति और ताकत पैदा फरमा दे। जिसके बाद फ्लाई पास्ट किया गया। फ्लाई पास्ट के दौरान राफेल ने हर तरह से दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराया। राफेल ने दिखाया कि ना सिर्फ वो काफी स्पीड में उड़ान भरकर दुश्मनों पर टूट सकता है, बल्कि वो कम स्पीड में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। फ्लाई पास्ट के दौरान राफेल के साथ आसमान में तेजस सुखोई भी उड़ान भरते दिखे। हरियाणा के अम्बाला स्थित वायुसेना स्टेशन में एक शानदार समारोह में ये विमान वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। 5 लड़ाकू विमान राफेल को वाटर कैनन से सलामी दी गई। LAC पर चीन से तनाव के बीच राफेल का वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चीन बार बार पिटने के बाद भी कायराना हरकतों को अंजाम देना नहीं छोड़ रहा है। तो वही भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान को शामिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार के कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। खैर, अब चीन को समझ आ जाना चाहिए कि अगर उसने इस बार कोई भी हिमाकत की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े पहरेदार राफेल वायुसेना में शामिल हो गए हैं, जिनकी चोट चीन को इतनी महंगी पड़ेगी कि शायद ही उसने कभी सोचा होगा। दरअसल वायुसेना के लिए त्रुप का इक्का माने जाने वाले 5 राफेल विमान की पहली खेप फ्रांस से 29 जुलाई को अम्बाला एयरबेस पहुंची थी। वायुसेना ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद का सौदा किया है। 4 और राफेल विमानों की अगली खेप के अक्टूबर में आने की संभावना है। राफेल फाइटर जेट 55,000 फीट से हमला करने में सक्षम है, जो अपने साथ उड़ान में 16 टन बम और मिसाइल ले जा सकते हैं। राफेल मल्टी डायरेक्शनल रडार से लैस है और इसकी नजर से कोई भी बच नहीं सकता। राफेल एक साथ 40 लक्ष्यों की निगरानी करने की काबिलियत रखता है। राफेल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसमें 3 तरह की घातक मिसाइलें लगी हुई हैं। लेजर गाइडेड बम की ताकत से लैस है और दुश्मन का रडार जाम करने में भी सक्षम है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में इस बाहुबली के शामिल होने से भारत की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।